हेलो एवरीवन, आज मैं देने वाली हूँ कंप्लीट रिव्यू ऑन IFB दिस वॉशिंग मशीन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स माय ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर जिसने मुझे टेक्स्ट किया, कॉल किया या पर्सनली रिक्वेस्ट किया इस IFB दिस वॉशर रिव्यू के लिए। सो थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपको ये जानना होगा दिस वॉशिंग मशीन में जो मार्केट में अवेलेबल डिटर्जेंट है आप उसे यूज़ नहीं कर सकते हो। आपने जिस कंपनी का दिस वॉशिंग मशीन ख़रीदा है उसी कंपनी से आप बने हुए डिटर्जेंट, सॉल्ट या रिंसेट यूज़ कर सकते हैं, या इन तीनों के जगह में आप टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं, जिनके बारे में मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं मशीन की ओर। राइट साइड के टॉप में जो S का सिंबल है वो सॉल्ट को इंडिकेट करता है, उसके नीचे का सिंबल रिंसेट को इंडिकेट करता है। जब आपके मशीन में सॉल्ट ख़त्म हो जाएगा तो सॉल्ट के सामने में रेड लाइट जल के वो इंडिकेट कर देगा, और जब रिंसेट ख़त्म हो जाएगा तो रिंसेट के सामने में वो इंडिकेट कर देगा। जब आपके मशीन डिशेस को वॉश करेगा तो वॉश के सामने में इंडिकेट करेगा, जब रिंस करेगा तो रिंस के सामने में इंडिकेट करेगा, जब ड्राई करेगा तो ड्राई के सामने में इंडिकेट करेगा, और जब एंड हो जाएगा तो एंड के सामने में इंडिकेट कर देगा। इस बटन से आप स्टार्ट कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, और मशीन को रिसेट करने के लिए आपको इस बटन को 3 सेकेंड के लिए दबाकर रखना होगा। प्रोग्राम पैनल में सबसे पहला है प्रीवॉश। प्रीवॉश में आपका 18 मिनट का टाइम लगता है। इसमें आप साफ बर्तन जिसमें धूल लगे हुए हैं उसे वॉश कर सकते हैं। इसमें ड्राई नहीं करता है, ना ही डिटर्जेंट यूज़ होता है, बस वाटर से ही आपके डिशेस को मशीन जो वॉश कर देगा। दूसरा है क्विक 30, जिसमें वाटर का टेम्परेचर रहेगा 40 डिग्री सेल्सियस। इसमें मशीन आपके पूरे डिशेस को 30 मिनट में वॉश करेगा, रिंस करेगा और ड्राई भी कर देगा। इको 50 डिग्री सेल्सियस में आपका वाटर का टेम्परेचर रहेगा 50 डिग्री सेल्सियस और टाइम लगेगा 2 आवर 51 मिनट। प्रीवॉश को छोड़ के बाकी सब प्रोग्राम पैनल में आपका वॉश होगा, रिंस होगा और ड्राई भी हो जाएगा। सुपर 50 में आपका वाटर का टेम्परेचर रहेगा 65 डिग्री सेल्सियस और टाइम लगेगा 50 मिनट। डेली में आपका वाटर टेम्परेचर रहेगा 60 डिग्री सेल्सियस और आपका टाइम लगेगा 1 आवर 34 मिनट। ऑटो डेलीकेट में आपका वाटर का टेम्परेचर रहेगा 50 डिग्री सेल्सियस और आपका टाइम लगेगा 1 आवर 32 मिनट्स। ऑटो डेलीकेट में आप ग्लासेस या सिरामिक डिशेस वॉश कर सकते हो। आपको इतना ध्यान रखना है, जब भी आप हायर टेम्परेचर प्रोग्राम चुनते हो तो आप उसमें कुछ ऐसा ग्लासेस या प्लास्टिक के डिशेस ना रखें जो वॉश करते समय को खुद भी डैमेज हो जाए और साथ ही साथ आपके मशीन को भी डैमेज ना कर दे। जो लास्ट प्रोग्राम है उसमें आप बहुत गंदे डिशेस वॉश कर सकते हैं। ऑटो इंटेंसिव में वाटर का टेम्परेचर रहेगा 70 डिग्री सेल्सियस और टाइम लगेगा 2 आवर 58 मिनट्स। इस बटन से हम मशीन को ऑन करते हैं और ऑफ करते हैं। फॉर एक्स्ट्रा रिंस आप इस बटन को प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा हाइजीन चाहिए तो आप इस बटन को प्रेस कर सकते हैं। जब आप टैबलेट यूज़ करते हो तो आपको ये बटन प्रेस करना है। अगर आपके ज़्यादा डिशेस नहीं हैं तो आप अगर सिर्फ टॉप रेक पे डिशेस रखे हैं तो आप हाफ लोड को चुन सकते हो। अगर आप हाफ लोड को एक बार प्रेस करते हो तो टॉप रेक के जितने भी डिशेस है वो वॉश हो जाएगा। जब सेकेंड टाइम हाफ लोड को प्रेस करते हो तो बॉटम के रेक के जितने भी डिशेस है वो क्लीन हो जाएगा, और जब आप इसे तीसरे टाइम प्रेस करते हो तो दोनों रेक के बर्तन क्लीन हो जाएगा। अगर आपको चाइल्ड लॉक करना है तो जो आपको प्लस माइनस सिंबल दिख रहा है आप उसे साथ में प्रेस कीजिए 3 सेकेंड के लिए तो चाइल्ड लॉक हो जाएगा। अगर आपको चाइल्ड लॉक को अनलॉक करना है तो फिर से आप वही प्लस माइनस सिंबल में
प्रेस कीजिए 3 सेकेंड के लिए तो चाय लॉक अनलॉक हो जाएगा। यह है मशीन का टॉप रैक और ये है बॉटम रैक। इसमें हम स्पून रख सकते हैं, चाहे तो आप इसे निकाल भी सकते हैं। दिस इसमें जितने भी गंदे होते हैं वो यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप चाहे तो इसे निकाल के वॉश भी कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं रिनसेट डिटर्जेंट और सॉल्ट का यूज़ हम मशीन में कैसे करते हैं। रिनसेट की यूज़ से हमारे डिशेस में एक्स्ट्रा शाइन और स्पार्कलिंग आता है। रिनसेट को हम यहाँ डालते हैं जब तक ये पूरा फिल ना हो जाए, यह अप्रोक्स 45 वॉश तक चलता है। रिनसेट और सॉल्ट को एक बार डालने के बाद में मोर देन 1 मंथ चलता है, लेकिन आप जब भी अपने डिशेस वॉश करते हो तो आपको बार बार डिटर्जेंट डालना पड़ता है। अगर आपके मशीन हाफ लोडेड है तो आपको कितना डिटर्जेंट डालना है वो वहाँ दिखाया गया है, और अगर फुल लोड है तो कितना डालना है वो भी वहाँ पे दिखा कर रखा है। मशीन के अंदर के ज़्यादातर पार्ट मेटल के बने हुए होते हैं और हम बार बार पानी यूज़ करते हैं, इसीलिए हमें सॉल्ट का ज़रूरी होता है। सॉल्ट एंटी कोरोशन का काम करता है। यहाँ पे आपको सॉल्ट डालना है जब तक ये पूरा भर ना जाए, देन ऊपर से आपको पानी डालना है जब तक वो पूरा फिल ना हो जाए। ये भी अराउंड 45 वॉश तक चलता है। यूजली मैं डिशेस अरेंज करने से पहले उसमें जितने भी गंदे होते हैं उसे मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ, देन उसे इकट्ठा करके भिगो कर रखती हूँ, देन मैं अरेंज करती हूँ। चाहे तो आप उसे हल्के से धो लें देन अरेंज करें। सिंस मेरा मशीन फुल लोड है तो मैं यहाँ डिटर्जेंट पूरा फिल करने वाली हूँ। आप यहाँ डिटर्जेंट की जगह टैबलेट भी यूज़ कर सकते हो। टैबलेट में सॉल्ट, रिनसेट और डिटर्जेंट तीनों होते हैं। बर्तन आप जैसे भी अरेंज कर सकते हो, आप कितना एडजस्ट करके अरेंज करते हो ये टोटली आप पर डिपेंड रहता है। बर्तन अरेंज करने के बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसे मूव करके देखिए, ये फ्रीली मूव होना चाहिए क्योंकि इसी से वाटर निकलता है और ये रोटेट होके आपके सब बर्तन को क्लीन कर देते हैं। ऐसे ही ऊपर पे लगे हुए हैं, इसे भी आपको मूव करके देखना है, दोनों ही फ्रीली मूव करना है, देन आप जो अपने मशीन को बंद कर सकते हैं और आपका मशीन डिशेस को वॉश करना स्टार्ट कर देगा। ज़्यादातर मैं क्विक 30 में ही बर्तन धोती हूँ, तो मैं आज आपको क्विक 30 का डेमो देने वाली हूँ। सबसे पहले आप अपने मशीन को ऑन कीजिए, देन आप अपना प्रोग्राम सिलेक्ट कीजिए। देन आप स्टार्ट का बटन को प्रेस कीजिए और आपका मशीन स्टार्ट हो जाएगा। ये सबसे पहले वॉश करेगा तो आप देख सकते हो वॉश में ये इंडिकेट कर रहा है। अभी आप देख सकते हो मशीन रिंस कर रहा है तो ये रिंस में इंडिकेट कर रहा है। आप अभी देख सकते हो मशीन ड्राई कर रहा है डिशेस को, तो ड्राई के सामने में रेड लाइट इंडिकेट कर रहा है। जैसे ही एंड शो होता है और आप मशीन को ऑफ करते हो, आपको साथ ही साथ बर्तन नहीं निकालने हैं क्योंकि मशीन ने आपके डिशेस को कुछ वाटर टेम्परेचर में वॉश किया है, तो आप जैसे ही साथ ही साथ बर्तन निकालते हो तो गरम गरम स्टीम निकलेगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आफ्टर 10-15 मिनट्स आप अपने बर्तन को निकालिए, और अगर आपको अपने बर्तन अभी अरेंज नहीं करने हैं तो आप उसे पूरा दिन मशीन में रख सकते हैं, ना ही मशीन ख़राब होगा ना ही बर्तन ख़राब होगा।
और जब आपको कंफर्टेबल लगेगा आप आराम से बर्तन निकालिए और बाहर पे अरेंज कर सकते हैं।